हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक बाइकर में। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ फिर से यो बाइक के शोरूम में। लेकिन इससे पहले जो मैंने यो बाइक का शोरूम आप लोगों को दिखाया था, वो शोरूम है बिहाला रॉय बहादुर रोड में। और ये जो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ आज, ये शोरूम है सॉटलेक सेक्टर 5 में यो बाइक का, भुनिया ऑटोमोबाइल। तो आप लोग देख सकते हो, ये है यो की ड्रिफ्ट मॉडल, लेड एसिड बैटरी वाली है। अभी इन लोगों के पास लिथियम आयन बैटरी की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये बैटरी में चलती है। इस गाड़ी को चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या RTO का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दोस्तों, इन लोगों के पास लिथियम आयन भी बैटरी आने वाली है, लिथियम आयन ऑप्शन वाली भी स्कूटर आने वाली है इन फ्यूचर में। तो ये लेड एसिड से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, 5 बैटरी वाली है। इसको फुल चार्ज करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। और जहाँ तक आप लोग देख सकते हो, डिजिटल मीटर है इसमें, और इसमें 1, 2 और 3 मूड है। ये देख लीजिए आप लोग, ये मूड नंबर 2 है। मूड नंबर 2 में स्टैंड पे 20 दिखा रही है, लेकिन गाड़ी चलती कुछ ज़्यादा ही स्पीड में है। अब आप लोग देख सकते हो मूड 3 हो गया है, और डिजिटल मीटर देखने में कुछ ऐसा लगता है। देखने में गाड़ी बहुत ही लाजवाब है, फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी है गाड़ी की। यो बाइक वालों ने इस गाड़ी के ऊपर काम बहुत अच्छा किया है। ये R का बटन जो आप लोग देख रहे हो, ये रिवर्स मूड है। इसको आप लोग रिवर्स मूड कह सकते हो, R का बटन जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसको दबाने के बाद जब गाड़ी का आप लोग एक्सेलेटर देते हो, तो गाड़ी 0.3 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब बिल्कुल आस्ते पीछे जाने लगती है। देख सकते हो आप लोग, बस इतनी ही स्पीड में ये पीछे जाती है, जिससे लेडीज़ लोग जब कहीं आप लोगों को गाड़ी फंस जाएगा, तो पीछे निकालने में उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग गाड़ी आराम से निकाल सकते हो। इसमें रिमोट भी दिया गया है, इससे आप लोग लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, अलार्म दे सकते हो, और गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो। देख सकते हो साइड से देखने में यो ड्रिफ्ट कुछ ऐसी लगती है। ये गाड़ी 4 कलर में अवेलेबल है, ग्रीन में है, रेड में है, ब्लैक में और ब्लू में। इन लोगों के पास अभी यो ड्रिफ्ट अवेलेबल है। देखने में गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है, कहीं से भी कोई बोल नहीं सकता आप लोगों को कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। LED लाइट दिया गया है और LED हेडलाइट भी दिया गया है। इससे बैटरी थोड़ी कम कंज्यूम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी आपका चलाने में यूज़ होता है। इंडिकेटर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, देख सकते हो आप लोग, बैकलाइट भी देख सकते हो, कुछ देखने में इस तरीके का लगता है। यह है राइट इंडिकेटर और यह है लेफ्ट इंडिकेटर, और ये इसका ब्लू कलर में अवेलेबल है। बाहर से भी आप लोगों को शोरूम का मैं दिखा देता हूँ, इसमें आप लोगों को शोरूम का नंबर भी मिल जाएगा। और शोरूम इस एरिया में है, ये बिल्डिंग आप लोग नोट कर सकते हो। जब आप लोग यहाँ आओगे सॉटलेक सेक्टर 5 में, तो आप लोग ये बिल्डिंग देख के पहचान जाओगे। और रोड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरफ से आप लोगों को आना है। यहाँ आप लोग बहुत सारे रास्ते से आ सकते हो, इस प्लेनेट से भी आ सकते हो, हावड़ा की तरफ से भी आ सकते हो, साइंस सिटी की तरफ से, निक्को पार्क से भी आ सकते हो। निक्को पार्क से 3 से 4 किलोमीटर के डिफरेंट में ही ये शोरूम है। बाहर से आप लोग देख सकते हो ऐसा लगता है शोरूम, थोड़ा सा अंदर है तो आप लोग भटक सकते हो, इस वजह से मैंने आप लोगों को रोड दिखा दिया।
ताकि आप लोग आकर यहाँ भटको नहीं और कॉन्टैक्ट कर लो। इन लोगों का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग बात कर लेना। ये कलर भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। 250 वाट की मोटर है इस गाड़ी में। टॉप स्पीड मैं आप लोगों को चला कर दिखाऊंगा, आप लोग देख लेना। 7 से 8 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। मैनुअल बुक है ये गाड़ी का, 5 बैटरी की गाड़ी है, 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। लेड एसिड में अभी अवेलेबल है, लिथियम आयन में इन फ्यूचर आप लोगों को मिल सकता है, अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए चलाकर देखते हैं ये गाड़ी चलने में कैसी है। अभी फर्स्ट गियर में है, देख सकते हो मीटर में। सेकंड गियर, नाउ थर्ड गियर। थर्ड गियर में ये गाड़ी इस तरीके का टॉर्क दिखाती है जैसे कि कोई नॉर्मल पेट्रोल वाली स्कूटी हो। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर में इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में और भी ज़्यादा वीडियो मिल सके, क्योंकि आप लोगों के लाइक से और चैनल सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हो और अगर आप वीडियो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोगों को पता है होगा ही कि एक वीडियो बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके दोस्तों, बेस्ट राइड एवर, गो इलेक्ट्रिक, थैंक यू।